सबसे पहला सवाल है, किस पहाड़ को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, किस पहाड़ को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? आंसर पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? जी फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। अगला सवाल है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, जो कि कर्नाटका में आया हुआ है। अगला सवाल है, आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट DNA को कहा जाता है। अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का होना जरूरी है? जी फ्रेंड्स, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का होना जरूरी है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी का होना जरूरी है। अगला सवाल है, भारत की स्वास्थ्य राजधानी किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, भारत की स्वास्थ्य राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत की स्वास्थ्य राजधानी चेन्नई को कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व में योग की राजधानी किसे कहा जाता है? विश्व में योग की राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। विश्व में योग की राजधानी किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा विश्व में योग की राजधानी ऋषिकेश को कहा जाता है। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, चार मीनार कहाँ स्थित है? चेन्नई, जिसका ए ऑप्शन चेन्नई, बी बेंगलोर, सी विजयवाड़ा, डी हैदराबाद। आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।